हार्दिक पांड्या के तलाक के बाद सबसे ज्यादा बातें अगर किसी की हो रही हैं तो वो है ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का। जी हाँ, फैंस का मानना है कि अगला नंबर इसी कपल का है। अभिषेक बच्चन ने बीते दिनों तलाक का एक पोस्ट लाइक कर दिया तो फैंस का शक पूरे पूरे यकीन में बदल गया। अब इन्हीं खबरों के बीच अमिताभ बच्चन, जी हाँ अमिताभ बच्चन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी पोती आराध्या और बेटे अभिषेक को लेकर भी काफी कुछ कहा है। बीते दिनों अभिषेक बच्चन की फिल्म कल की रिलीज हुई। इस फिल्म में सुपरस्टार अमिताभ ने अश्वत्थामा का दमदार किरदार निभाकर एक बार फैंस का दिल जीत लिया। एक्टर ने अपनी दमदार एक्टिंग और एक्शन सीन से फैंस को हैरान करके रख दिया। एक बार फिर से अमिताभ की एक्टिंग ने फैंस कायल हो गए और अब हाल ही में अमिताभ बच्चन ने फिल्म से जुड़े एक किरदार को लेकर बात की है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने फिल्म में लीड रोल निभाने वाले प्रभास की जमकर तारीफ की। अमिताभ बच्चन प्रभास की पर्सनैलिटी और उनके व्यक्तित्व से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें फैंस का भगवान तक बता डाला। खुद बिग बी भी मानते हैं कि साउथ सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी कुछ कम नहीं है। बिग बी ने कहा है कि प्रभास को इस फिल्म में कास्ट करना मेकर्स का सबसे अच्छा फैसला है। वैजयंती मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें अमिताभ ने प्रभास की जमकर तारीफ की है। एक्टर ने कहा कि जिन भी लोगों को फिल्म के फर्स्ट पार्ट से शिकायत थी वो शायद यहीं से सही समझ नहीं सके। एक्टर ने आगे कहा कि प्रभास तेलुगु हैं और आप लोगों की ये बात समझ नहीं होगी कि वो बेहद बड़े हैं। कई लोगों को फिल्म का पहला भाग समझ नहीं आया और उन्होंने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, मगर समझने वाली बात यह है कि उसमें हीरो का एक परिचय दिया हुआ है। सिर्फ फिल्म के लिए हीरो नहीं बल्कि एक तेलुगु भाषी के लोग को भी हीरो है। एक्टर ने आगे कहा कि वो अपने बेटे अभिषेक और अपनी पोती आराध्या से इस बात पर चर्चा भी करने के लिए बेहद एक्साइटेड है कि वो दोनों इस पर क्या बातें करेंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, तो देखते रहें नेक्स्ट ऑन लाइव।